हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इनक्लाइन प्लस। तो इस वीडियो में इसरो 2018 का पेपर जो हुआ था हम उसको एनालाइज करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, इन अ सेलस डाइजेशन टैंक द गैस दैट मेनली इवॉल्व्स इज। तो सेलस डाइजेशन टैंक में कौन सी गैस होती है मेनली अगर बात करी जाए तो आप देखते होंगे जो सेलस डाइजेशन टैंक होता है जिसमें सेलज को डाइजेस्ट किया जाता है तो काफ़ी गंदगी होती, तो वहाँ पे मीथेन गैस CH4 को वैसे भी हम मार्स गैस बोलते हैं। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होती। हाइड्रोजन सल्फाइड का चलिए फार्मूला देख लीजिए, H2S होता है। और अमोनिया का भी फार्मूला चलिए देख लीजिए, NH3 अमोनिया का फार्मूला होता है। और नाइट्रोजन N2 हम जानते ही हैं। चलिए मीथेन है, सेलस डाइजेशन टैंक में मीथेन होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड इन लीटर्स। तो पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर होती है वो किसमें कैलकुलेट करी जाती है। ओके, तो चलिए देखते हैं किसमें कैलकुलेट। पर कैपिटा पर डे, तो हमने LPCD का नाम सुना होगा, LPCD। ओके, हम LPCD का नाम सुना, लीटर पर कैपिटा पर डे। तो यहाँ पे लिखा पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर इज कैलकुलेटेड। तो भाई जब पर कैपिटा डिमांड जो होती है, हर एक इंसान की डिमांड अगर पर पर्सन की बात करिए, पर कैपिटा कैपिटा में इस पर्सन बोथ हर सेम, तो ये जो कैलकुलेट करी जाती है ईयर में नहीं करी जाती है और ना ही मंथ में करी जाती है और ना ही ये घंटे में करी जाती है। पर कैपिटा पर डे होता है, एक दिन की बात हम इसमें करते हैं। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीरो हार्डनेस वाटर कैन बी अचीव्ड बाई, देखिए वाटर जो होता है, वाटर की बात करें, वाटर में दो तरह की हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस आती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की वजह से, और जो परमानेंट हार्डनेस आती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट की वजह से, कह सकते हैं Cl2 और SO4। ओके, तो हमने सुना होगा CaCO3 सुना होगा, ओके MgCO3 सुना होगा, MgCO3। ये CaHCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये जो है जिन एक कंपाउंड से हैं जिनकी वजह से वाटर हार्ड हो जाता है। ओके, हार्डनेस का मतलब ये होता है कि वाटर झाग नहीं बनाता है। ओके, तो इसमें कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें जीरो हार्डनेस मिलती है, तो वो देखिए यहाँ पे आप कहेंगे लाइम सोडा नहीं होता है, एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट भी नहीं। यहाँ पे जीरो अगर हार्डनेस हमें लानी है तो आयन एक्सचेंज मेथड को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सर्ज टैंक आर प्रोवाइडेड, सर्ज टैंक क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, हम आपको बता दें। ये छोटा सा एक डायग्राम बना करके, ये एक रिजर्वायर कुछ इस टाइप का होता है, इधर एक साइड में मशीनरी लगी रहती है जिसे कहते हैं टर्बाइन लगी रहती है। ओके, यहाँ से ये पेन स्टॉक के थ्रू वाटर जा रहा होता है, लेकिन यही पेन स्टॉक में एक छोटा सा सर्ज टैंक प्रोवाइड करा दिया जाता है, जो एब्रप्टली जब लाइट चली जाती है या कह सकते हो पावर डिसरप्शन हो जाता है, तो जो यहाँ से वाटर आ रहा है, रिजर्वायर से वाटर आ रहा है, सर्ज टैंक में भर जाता है। अगर यहाँ पे पावर डिसरप्शन हो गया है और ये वाटर यहाँ पूरा का पूरा जाएगा तो इम्पैक्ट करेगा, जिससे वाटर हैमर की कंडीशन जनरेट होगी, तो वाटर हैमर को गार्ड करने के लिए सर्ज टैंक प्रोवाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर BW प्रेजेंट इन द सॉयल मास अपन द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, BW/BB ये क्या होता है भाई, BW/BB ये होता है अपना डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये होता है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। और पोरोसिटी की अगर बात करी जाए, पोरोसिटी भी यहाँ पे दे रखा है, इसको भी क्यों छोड़ना, तो पोरोसिटी को हम दिखाते हैं BB/BB से, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन द टोटल वॉल्यूम। और चलिए वॉइड रेशियो को भी देख लिया जाए, वॉइड रेशियो जो है BB/BS वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं न्यू से, तो न्यू इक्वल टू होता है न्यू अपॉन रो, न्यू होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, बट म्यू होता है डायनामिक विस्कोसिटी। ओके,
तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। चलिए एक बार आपको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं कैसे होती है। ओके, तो न्यू इक्वल टू होता है म्यू अपॉन रो, तो म्यू की यूनिट क्या होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, और रो की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो न्यूटन को हम क्या बोल सकते हैं, एफ इक्वल टू एम जी होता है ना, किलोग्राम किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। एक तरफ ये यूनिट हो गई है म्यू इक्वल टू आएगा यहाँ पे आपका किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अपन और ये हो गया न्यूटन सेकंड इंटू सेकंड, ये अपन मीटर स्क्वायर की बात करो सेकंड से, ये सेकंड एक जाएगा मीटर स्क्वायर की, अगर एक मीटर से मीटर के किलोग्राम सेकंड पर मीटर। किलोग्राम सेकंड पर मीटर। ओके, अब यहाँ से हम बढ़ेंगे तो किलोग्राम सेकंड पर मीटर ये आ गई इसकी यूनिट, और अपने क्या थी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक मीटर से एक मीटर ये जाएगा, यहाँ पे दो मीटर बचेगा, किलोग्राम से किलोग्राम जाएगा तो मीटर स्क्वायर जो है ऊपर पहुँच जाएगा, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फ्लोटिंग बॉडी अटेंस द स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट्स मेटा सेंटर, फ्लोटिंग बॉडी अपने इक्विलिब्रियम की कंडीशन फ्लोटिंग बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब अटेन करती है, जब मेटा सेंटर इसके सेंट्रोइड पर पहुंच जाता है। ओके, जब मेटा सेंटर इसके सेंट्रोइड पर पहुंच जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन में हम क्या कहते हैं, ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ए बी का मतलब क्या है, डिस्चार्ज भाई कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज को ही बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं, तो क्यू इक्वल टू हम क्या लिखते थे भाई, क्यू की यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर पर सेकंड है ना, मीटर क्यूब पर सेकंड होती है इसकी यूनिट, तो मीटर क्यूब पर सेकंड। एक तरफ देखा जाए तो डिस्चार्ज बायलूम अपान टाइम भी तो हो जाएगा भाई, बायलूम अपान टाइम, बायलूम मतलब फ्लो, फ्लो वाटर फ्लो हो रहा तो इसे बायलूम बोलेंगे, तो फ्लो ये हो गया, और फ्लो अपान टाइम कर देंगे तो फ्लो रेट नहीं हो जाएगा, तो भाई ये फ्लो रेट है, तो फ्लो रेट जो अपनी कॉन्स्टेंट रहेगी, मतलब ए बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कंटिन्यूटी इक्वेशन ए वन बी वन इक्वल टू ए टू बी टू, कुछ ये होती है। ओके, जब ये कांस्टेंट है तब ये जो है कौन से प्रिंसिपल पे, चलिए ये प्रिंसिपल को भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखिए ये कोई चैनल का सेक्शन है, ये भी कोई चैनल का सेक्शन है, और यहाँ पे ये वाटर फ्लो हो रहा है, तो जो एरिया और जो बायलूम यहाँ पर है वही एरिया बायलूम यहाँ पर भी होगा, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन बताती है। तो ये क्या बताएगी, रेट ऑफ फ्लो यहाँ पे भी कांस्टेंट है और वहाँ पर भी, सेक्शन ए पे और सेक्शन बी पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। आते हैं सरफेस टेंशन, ये जो है वेबर नंबर इज द रेशियो ऑफ, तो देखिए वेबर नंबर आप जानते होंगे, तो वेबर नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपान सरफेस टेंशन फोर्स होता है वेबर नंबर। और हमारे पास दो तीन नंबर और थे, जैसे बोले रेनॉल्ड नंबर क्या होता था, इनर्शिया फोर्स अपान
विस्कस फोर्स रेनॉल्ड नंबर हुआ करता था। और अगर बात करें फ्राउड नंबर, तो फ्राउड नंबर इक्वल टू द इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फ्राउड नंबर हुआ करता था। एक बात है मैक नंबर की बात देख लेते हैं। चलिए मैक नंबर होता था इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। ओके, ये होता था मैक नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यह वाटर कंटेंस। चलिए ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। वाटर क्या है? H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, दूसरा होगा। बढ़ते हैं, अब द 2% सोल्यूशन ऑफ सीवेज सैंपल इज इंक्यूबेटेड फॉर 5 डेज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन वाज फाउंड टू बी 5 ppm BOD ऑफ द सीवेज इज। तो यहाँ पे ये देखिए क्या कहा, 2% सोल्यूशन है किसका, सीवेज का। उसको एक इंक्यूबेटर, ये है इस इंक्यूबेटर में इस सोल्यूशन को हमने ये रख दिया है। और इस इंक्यूबेटर का क्या भाई टेम्परेचर है, 5 दिन के लिए रखा इसमें, ये ध्यान रखिए 5 दिन के लिए रखा, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। अब हमने क्या देखा, 5 दिन बाद इसमें ऑक्सीजन का डिप्लीशन हुआ। जो ऑक्सीजन का डिप्लीशन हुआ वो 5 ppm हुआ। और भाई हमें अब इसकी BOD बताइए, तो इसकी BOD होगी 250। तो 5 ppm, चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखा देते हैं। 5 × 10³ आएगा, ppm को पार्ट्स पर मिलियन को कुछ इस तरह से देखेंगे। और ये देखिए 2% 0.02 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 250 ppm आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द शियर फोर्स ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज प्रोपोर्शनल टू, ये शियर फोर्स है कुछ इस तरह से लोड लगा करते थे ना, और सिंपली सपोर्टेड बीम में ये किस तरह से किसके प्रोपोर्शनल टू होते हैं, ये देखिए ट्रांसवर्स फोर्स, एलजेब्रिक सम ऑफ द ट्रांसवर्स फोर्स, आंसर डी, स्ट्रट्स आर द लोड कैरिंग मेंबर ऑफ ए फ्रेम विच आर सब्जेक्टेड टू। तो कॉलम एंड स्ट्रट से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो देखते हैं स्ट्रट होता क्या है। आपने कॉलम देखो, कॉलम तो इस टाइप का वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर होता है, बट इनक्लाइंड कंप्रेशन मेंबर जो होता है, जो इनक्लाइंड कंप्रेशन मेंबर होता है उसे बोलते हैं स्ट्रट। लेकिन है क्या ये कंप्रेशन मेंबर भी है, कंप्रेशन मेंबर ही है, बट इनमें एक्सियल कंप्रेशन होता है स्ट्रट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हेन ए बॉडी इज इलास्टिकली स्ट्रेच्ड द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज ऑलवेज, इलास्टिकली स्ट्रेच हो रही है तो उसमें म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो पहले चलिए म्यू की वैल्यू लेस देन 1 होगी, सिंपल सी बात है। चलिए हम इसमें थोड़ा इसका एक्सप्लेन कर देते हैं, म्यू होता क्या है। म्यू की वैल्यू होती है, म्यू का फार्मूला होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फ्लूड अंडरगोज वॉल्यूम चेंज अंडर द एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू, देखिए फ्लूड, ये फ्लूड किसी कंटेनर में भरा हुआ है, ठीक, हमने एक्सटर्नल से प्रेशर लगाया है, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है। अब क्या हुआ, इसका वॉल्यूम जो पहले बी था मान लिया, अब वॉल्यूम चेंज होकर इसका डेल्टा बी हो गया है। तो ये फ्लूड की कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कंप्रेसिबिलिटी के अंडर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रिवेंट द क्रीप इन रेल्स द स्टील स्लीपर्स आर फिक्स्ड विद रेल्स बाय, क्रीप को प्रिवेंट करने के लिए रेल्स में जो स्टील स्लीपर होते हैं वो फिक्स किए जाते हैं विद द रेल्स बाय। ओके, देखिए ये हमारी कुछ इस तरह की रेल्स का शेप होता है ना, कुछ इस तरह से रेल्स का शेप होता है, और कुछ इस तरह इस रेल्स का शेप होता है। ओके, कुछ थोड़ा गलत हो रहा है यार, ये कुछ रेल्स का शेप है। अब क्या यह एक की हमने यहाँ पे लगा दी, एक हमने की यहाँ पे लगा दी, ये जो स्लीपर है इसको बोल इसको क्या बोलते हैं, की कह दो, ये एंकर की होती है, ठीक है, कुछ एंकर की कुछ इस तरह से जकड़ती है, एंकर की कुछ इस तरह से इसको जकड़ती है, तो दो एंकर की लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द G1 एंड G2 आर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन टू माउंटेंस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन द वेट ऑफ बॉडी व्हेन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ए टू बी बी मल्टीप्लाइड बाई, देखिए ये पूछ रहा है G1
देखो दो माउंटेन है, एक माउंटेन ये है, दूसरा माउंटेन ये है। इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G1 है, इसका ग्रेविटेशनल G2 है। ये माउंटेन ए है और ये माउंटेन बी है। अब ये कह रहा है कि अगर हमने कोई भी वेट उठाया है, उसको ट्रांसपोर्ट किया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तब यहाँ पे कौन सा फैक्टर मल्टीप्लाई होगा? तो यहाँ पे जो फैक्टर मल्टीप्लाई होने वाला है वो है G2/G1, ओके, और इनटू जो आपका लोड है वो लेना है, वेट लेना है। अगला क्वेश्चन है, टू फोर्स ऑफ 9 न्यूटन एंड 12 न्यूटन विच आर एक्टिंग एट द राइट एंगल टू ईच अदर विच हैव ए रिजल्टेंट ऑफ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम टेंथ का क्वेश्चन है ये। अगर आपने टेंथ ट्वेल्थ में थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा तो ये टेंथ का ही क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या पकड़ना है, इसमें पकड़ना है राइट एंगल। ये देखिए ये राइट एंगल, ये 9 का, ये 9 न्यूटन का, ये 12 न्यूटन का है। अब ये राइट एंगल पे देखिए काम कर रहा है। अब क्या रिजल्टेंट भाई कहाँ से आएगा? ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, लगाइए इसमें पाइथागोरस और बताइए इसका आंसर, 15 इसका आंसर आने वाला है, 225 आएगा, उसका अंडर रूट 15 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एडजेसेंट रिवेट्स इन द सेम रो इज कॉल्ड। ठीक है, एक रो है, देखिए ये सेम रो है भाई, सेम रो है। इसमें डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट रिवेट्स, ठीक है, एक ये रिवेट है एडजेसेंट, एक दूसरा रिवेट, तीसरा रिवेट, इनके बीच की जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं गेज। अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें, एक रिवेट ये मार दिया, एक ये मार दिया, वर्टिकल डिस्टेंस को अगर कंसीडर करने तो उसे बोलेंगे पिच। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अलॉन्ग द प्रिंसिपल प्लेन सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कितना सिंपल कॉन्सेप्ट जो हमेशा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और वही इसमें भी हुआ है। इसमें पूछ लिया है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, पहले तो देखें कि प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है। वो प्रिंसिपल प्लेन होता है जहाँ पर शियर स्ट्रेस जीरो होती है, तो प्रिंसिपल प्लेन पे ही तो प्रिंसिपल स्ट्रेस को शो किया जाएगा। जहाँ पर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होती है, सिग्मा मैक्स जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे टाउ तो भाई जीरो होगा ही, क्योंकि ये जो लाइन है, क्योंकि वन सेकंड, ये जो लाइन है ये सीयर स्ट्रेस को दिखा रही है, नॉर्मल स्ट्रेस को दिखा रही है, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस को दिखा रही है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम ऑन सेक्शन ऑफ द बीम वेयर सीयर फोर्स इज। हम आपको इसमें केबल सिंपली सपोर्टेड बीम को उठा करके दिखाते हैं, अगर आप समझ जाए तो अच्छी बात है। देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे ये लोड लग रहा है W किलो न्यूटन का, पॉइंट लोड हमने लगाया है। अब आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर देखेंगे, ठीक है, W ये है तो W/2 और W/2 ये इसकी रिएक्शन हो जाएंगी। आप ये पूरा L है तो ये L/2 और ये L/2, ओके। अगर आप इसके बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो इसका BM निकलेगा WL/4, ओके, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर आप देखेंगे तो कुछ ये आता है, यहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट ये किस मैग्नीट्यूड का है, WL/4 का ये बेंडिंग मोमेंट है। अब आप यहाँ पे देखेंगे शियर फोर्स डायग्राम अगर आप इसका ड्रा करेंगे तब क्या मिलेगा, यहाँ पे आपकी रिएक्शन कितनी थी भाई, WL/2 थी ना, तो केवल W/2 थी, तो W/2 जाएगा सीधा वहाँ तक और ये W नीचे लग रहा था, ओके। तो फिर हम यहाँ से कुछ इस टाइप का ये डायग्राम, अब आप ये देख के ये क्या देख रहे हैं, ये माइनस ये प्लस है, आप इसे प्लस या इसे माइनस कर सकते हैं, कुछ भी कहें। यहाँ पे मेनली हमें ये देखना है यहाँ पे शियर फोर्स टाइप अपना साइन चेंज कर रहा है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द डिफरेंस इन द लेवल बिटवीन द टॉप ऑफ बैंक एंड द सप्लाई लेवल इन द कैनाल इज। हम यहाँ पे एक कैनाल को बना करके दिखा रहे हैं, ये देखिए कैनाल है भाई, कुछ इस तरह से रेक्टेंगल शेप हमने दिया है, चलिए ट्रोपोजॉइडल शेप यहाँ पे लेकर के दिखाते हैं। ये हमारी कैनाल है, ये वाटर इसमें भरा है, ये बेड है, ओके, और ये जो बोलता है हम इसे कहते हैं बर्म कहते हैं, ठीक है, इस चीज़ को बर्म बोलते हैं। अब हम चलिए इसमें देखते हैं कि ये अपना क्या है, ये अपना बैंक है, चलिए ये हम अपना बैंक बना दे रहे हैं, ये अपना बैंक है और ये अपना फुल सप्लाई लेवल है। बैंक और फुल सप्लाई लेवल के बीच की डिस्टेंस को बोला जाता है, गैप को बोला जाता है फ्री बोर्ड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड व्हेन द रिवर। देखिए रिवर की अगर बात करें तो रिवर ट्रेनिंग वर्क वहाँ पे दिया जाता है जहाँ पे रिवर में कटिंग और फिलिंग दोनों होता है, डिग्रेडिंग होता है, एग्रेडिंग होता है,
अगर आप यहाँ पे जो अपनी रिवर द गंगा रिवर है, ये मेंडरिंग टाइप की रिवर है। अगर आप गंगा रिवर को देखेंगे तो कहीं इस तरह से जाती, इस तरह से जाती, इस तरह से यहाँ पे कटिंग हुई है, यहाँ पे फिलिंग हुई है, यहाँ पे कटिंग, यहाँ पे फिलिंग, कुछ इस तरह से होता है। जहाँ पे कटिंग फिलिंग के ज़्यादा चांस रहते हैं वहाँ पे हम रिवर ट्रेनिंग वर्क्स को प्रोवाइड कराते हैं, उसमें ग्रायंस को प्रोवाइड कराते हैं, कुछ इस तरह के ग्रायंस होते हैं। ओके, कुछ इस तरह के ग्रायंस होते हैं, हम ग्रायंस को प्रोवाइड कराते हैं। आपको कुछ बना के दिखा दिया जाए, ये टी शेप्ड ग्रायंस होता है, कुछ इस तरह से बना करके हम ये बनाते हैं। कुछ एल शेप के ग्रायंस, कुछ इंक्लाइंड ग्रायंस होते हैं, तो उनको कुछ इस तरह से कर दिया जाता है। इस तरह के ग्रायंस जो है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में आते हैं। ओके, अब हम आते हैं कि इन द वाटर बाउंड माइकडम रोड्स बाइंडिंग मटीरियल इज। वाटर बाउंड माइकडम समझ रहे हैं कि वाटर जिसको बाउंड कर रहा है, हम वाटर बाइंडिंग प्रॉपर्टी दे रहा है तो वाटर बाउंड माइकडम, तो उसमें बिटुमन तो होना ही नहीं है, सीमेंट तो होना ही नहीं है। तो अब बात आती है सैंड की, तो सैंड भी नहीं होगा क्योंकि सैंड में बाउंडिंग प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो क्रश्ड एग्रीगेट ही ऐसा होता है कि एग्रीगेट जो होता है जिसको हम कहते हैं, वो एग्रीगेट को अगर हम क्रश कर देते हैं, उसका चूरा बना देते हैं, ठीक है, और हम उस चूरे को स्टोन्स के बीच में बिछा देते हैं या डाल देते हैं, उसके बाद पानी को छिड़क के वहाँ पे अपना काम करते हैं। इसका आंसर सी है, क्रश्ड एग्रीगेट है। थोड़ा यहाँ पे दिखा दिया जाए, ये देखिए स्टोन्स होते हैं, ठीक है, वाटर में पहले बड़े साइज के स्टोन होते हैं, छोटे फिर छोटे, फिर बाद में क्या किया जाता है, एक सबग्रेड के बाद जो है एक बेस बना देने के बाद हम इस पर क्या करते हैं, क्रश्ड एग्रीगेट को डाल देते हैं, क्रश्ड एग्रीगेट को डाल देते हैं, पानी को छिड़क करके, पानी से छिड़काव मार करके हम आगे पूरा काम कर देते हैं, उस पर रोलर चला देते हैं, वाटर बाउंड माइकडम रोड बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ग्रेडियंट अलॉन्ग विच द व्हीकल डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रैक्टिव एफर्ट टू मेंटेन ये स्पेसिफाइड स्पीड इज नोन एज। एक कौन सा ग्रेडियंट होता है जिसके अलॉन्ग हम किसी व्हीकल को अगर चलाते हैं या जिस ग्रेडियंट से हम अपने व्हीकल को निकालते हैं, वहाँ पे हमें किसी भी ट्रैक्टिव एफर्ट को की ज़रूरत नहीं पड़ती है मेंटेन करने के लिए टू स्पेसिफाइड स्पीड, तो वो कौन सा ग्रेडियंट होता है भाई? वो पुशिंग ग्रेडियंट तो होगा नहीं, वो अपना फ्लोटिंग ग्रेडियंट होता है कि गाड़ी एकदम फ्लोट करती चली जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए हॉलो कोन लाइज ऑन ए एक्सिस ऑफ द सिमेट्रिकल एट ए हाइट ऑफ। तो अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं भाई हॉलो कोन्स के लिए, तो क्या होगा, ये कुछ इस टाइप का हॉलो कोन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये होती है, इसको अगर हम हिंदी में बोले ये होती त्रियक लेंथ, त्रियक लंबाई, ओके, और ये जो है ये हाइट होती है, हाइट ऑफ द कोन, और यहाँ से ये बेस ऑफ द कोन हो जाएगा, और ये कोन के बीच में अगर आप ये देखें, यहाँ पे एक कोन हम बना के ये दिखा रहे हैं, ये कोन में जो होता है, अगर इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करी जाए, कहाँ पे लाई करती है, लाई करती है हाइट के 1/3 पे, तो यहाँ पे आंसर करेक्ट होने वाला है बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज, हम क्या पढ़ते थे भाई, एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर, ओके, तो म्यू इक्वल टू क्या हुआ करता था, म्यू इक्वल टू हुआ करता था टेन थीटा, म्यू इक्वल टू हुआ करता था टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू हम क्या लेते थे, एफ एफ अपन आर लिया करते थे ना, एफ अपन आर लिया करते थे, तो आर क्या होता था, ये नॉर्मल रिएक्शन हुआ करती थी एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन ये रिजल्टेंट हुआ करता था। आर जो है, आर अपना क्या हुआ करता, आर होता था रिजल्टेंट, म्यू इंटू आर, और एफ होता था अपना नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे आंसर इसका सी करेक्ट होने वाला है। तो बता दें एफ अपान आर को एक बार सही तरह से और डिस्क्राइब कर देते हैं, तो एफ जो होगा यहाँ पे, एफ होगा नॉर्मल रिएक्शन एंड आर जो होगा वो रिजल्टेंट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डेप्थ इज ट्रेस्ड बाय, द पाथ इज ट्रेस्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल इन द स्काई इज। आप कहीं पे खड़े हो जाइए और एक पत्थर को फेंकिएगा, ये इसरो के क्वेश्चन हम प्रैक्टिकली यहाँ पे बता रहे हैं। आप कहीं पे खड़े हो जाइएगा और एक किसी पत्थर को या किसी भी चीज़ को फेंकिएगा आसमान में, और आप उसका पैथ देखिएगा, कुछ इस तरह का उसका पाथ होगा। तो किस तरह का पाथ होगा आप देख के इसका आंसर क्लिक करिएगा, पैराबोलिक होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीरियोडिक टाइम ऑफ ए पार्टिकल मूविंग विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, आपने पढ़ा होगा इंटर में, SHM क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। पार्टिकल मूविंग विद SHM इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फॉर, तो पीरियोडिक टाइम क्या होगा भाई,
अगर हम कोई पार्टिकल लेते हैं, ये SHM कर रहा है, SHM मतलब किसी एक एक्सिस, किसी भी एक एक्सिस के इधर उधर, हम ये एक्सिस देख ली, इस एक्सिस के इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, तो कंप्लीट आज के लेसन में जो भी समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसमें टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था, T=2π√L/g, यही तो हुआ करता था ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन ए बॉडी मूव्स अराउंड ए फिक्स एक्सिस इट हैज, कोई भी बॉडी जो है एक फिक्स एक्सिस, हमने ये देख लिया, इसके अलॉन्ग अगर मूव कर रही तो भाई कौन सी क्या है, कौन सी मोशन है। आप जाइए, फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप जाते हैं जहाँ पे मेले में जाते हैं, आप झूला झूलते हैं ना, झूला झूलते हैं तो फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये झूला इस तरह से कुछ ये मूव करता है, एक मोशन करता है, तो कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयल सैंपल इज पार्शियली सैचुरेटेड, इट्स नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट वाज फाउंड टू बी 22%, द बल्क मॉडुलस, द बल्क डेंसिटी 2 g/cc, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज 2.65 एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 g/cc, द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल इज। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या क्या गिवन है, यहाँ पे भाई गिवन है W, हमें गिवन है 22% है, गामा बी भी गिवन है हमें, गामा बी कितना है, गामा बी यहाँ पे हमें है 2 दिया हुआ है, गामा W 1 दिया हुआ है। ओके, चलिए अब हम फार्मूले की बात करते हैं, हम गामा बी का फार्मूला क्या जानते थे, गामा बी इक्वल टू जी माइनस एस इंटू ई अपान 1+E इंटू गामा W। ओके, कुछ ये फार्मूला हुआ करता था ना भाई, फार्मूला क्या, गामा बी इक्वल टू जी माइनस SE अपान 1+E इंटू यहाँ पे गामा W। बट हमने यहाँ पे S इंटू E की बात करी है, तो इसको कहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, SE इक्वल टू W/g से रिप्लेस करते हैं, W/g से रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे E का फार्मूला हमारा क्या आएगा, तो चलिए E का फार्मूला आएगा गामा W इंटू जी माइनस W इंटू जी अपान गामा B माइनस 1। ओके, पूरे का माइनस 1, ये पूरा सिस्टम अपन इधर माइनस 1। ओके, तो हम इसमें सारी वैल्यू पुट करके इसका आंसर आप यहाँ पे खुद देखिएगा क्या मिलने वाला है। तो सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे यहाँ पे, देखिए E इक्वल टू गामा W की वैल्यू 1 है, G की वैल्यू 2.65 है, माइनस यहाँ पे W की वैल्यू 22% है तो 0.22, और इनटू फिर से G की वैल्यू रखेंगे 2.65। पंप ना है अपन 2, इतनी वैल्यू अगर आपकी निकल आए, ठीक है, इतनी वैल्यू आपकी मान लिया हम देखते हैं कि इतनी वैल्यू आपकी निकली है 1.61। आपकी वैल्यू निकली है। ओके, तो ई निकालने के लिए 1.6165 में से 1 को घटा देना है, तो 0.6165, ये मैंने सब कैलकुलेट करके रखा था, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा इसमें फार्मूला भी इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं मिलता तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है और समय भी कम होता है, कैलकुलेटर भी नहीं मिलता, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे कि आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो जल्दी सॉल्व हो जाए। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल मेन रीइंफोर्समेंट बार्स शैल नॉट बी मोर देन, चलिए कोई नहीं, इसमें थोड़ा देखते हैं, इन द सॉलिड स्लैब इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सॉलिड स्लैब
ये भी देखिए, क्योंकि जब स्लैब होती है, ठीक है, कोई भी स्लैब हम देखते हैं, स्लैब को जब हम डिज़ाइन करते हैं, जब हम स्लैब को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें मेन रीइंफोर्समेंट पड़ता है और डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट पड़ता है। ये कुछ इस तरह का मेन रीइंफोर्समेंट पड़ता है और ये इसको क्रॉस डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट पड़ता है। जो मेन रीइंफोर्समेंट होता है उसमें जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है, ये मेन रीइंफोर्समेंट के बीच की स्पेसिंग जो मैक्स ओके तो मेन रीइंफोर्समेंट के बीच की स्पेसिंग 300 या 3 × इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सॉलिड स्लैब ये होती है। और अगर हम बात करें जो डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट होता है, 5 times इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द सॉलिड स्लैब और 450 mm। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम, मतलब स्पान देखिए, स्पान क्या है, स्पान को दिखाते हैं एल से, इफेक्टिव डेप्थ को दिखाते हैं डी से। अगर इसका रेशियो 10 से ज़्यादा है, 10 मीटर से ज़्यादा है, नहीं नहीं ये कह रहा है कि इसका स्पान का रेशियो ओके सॉरी इफ द स्पान टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम फॉर द स्पान अप टू 10 meters डज नॉट एक्सीड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट्स में जनरली भी स्पेसिफाइड। तो ये इस क्वेश्चन में कुछ ये कहने की कोशिश कर रहा कि देखिए भाई, हमारे पास कोई भी बीम है उसका स्पान जो है 10 meters से ज़्यादा है, ठीक है, और एल बाई डी का रेशियो इसकी लिमिट कितनी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो डज नॉट एक्सीड कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लगभग 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जिस जो हमारे वर्टिकल डिफ्लेक्शन की लिमिट्स को ओवरकम कर पाएगा। ओके, तो बढ़ते नेक्स्ट। टेंशन फेलियर अकर्स इन द सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम, तो टेंशन फेलियर जो होता है अकर्स करता है भाई किस तरह की बीम में, सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में, तो इस तरह की जिसमें टेंसाइल जो टेंशन जोन होता है केवल उसी में अगर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराया जाता है तो उसे बोलते हैं सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम। अगर हम टेंशन जोन होता है और कंप्रेशन जोन होता है दोनों में अगर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कराया तो उसे बोलते हैं डबली रीइंफोर्स्ड बीम। ओके, तो सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में बैलेंस सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन तो है ही नहीं, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन ही ऐसा सेक्शन है जिसमें टेंशन फेलियर होता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द टेंशन मेंबर इज इक्वल टू इट्स ग्रॉस सेक्शनल एरिया। तो देखिए, ए नेट की वैल्यू, ये हमारा स्टील स्ट्रक्चर क्वेश्चन है, ए नेट को की वैल्यू क्या होती है, ग्रॉस सेक्शनल एरिया ए जी, और माइनस, इसके माइनस में जाएंगे हम, माइनस द रिबेट होल। ओके, एरिया ऑफ द रिबेट होल, तो इसका आंसर डी करेक्ट है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द होल सर्किल बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज 145 degrees देन आर बी इज, चलिए होल सर्किल बेयरिंग देख लेते हैं, ये 90 है, ये 360 और 0 है, ये 90 है, ये 180 और ये 270, तो यहाँ से ये जाएगा 45। ओके, तो कुछ ये इस तरह से आ जाएगा। अगर इसकी बैक बेयरिंग की बात करें तो बैक बेयरिंग ये निकलेगी, या कि कोई नहीं, बैक बेयरिंग नहीं निकालनी भाई। अब हमें यहाँ पे जाना है कि इसमें जब ये 145 डिग्री है तब इसकी आरबी क्या होगी, तो ध्यान रहे आरबी मतलब रिड्यूस्ड बेयरिंग। रिड्यूस्ड बेयरिंग जो होती है एक क्वार्टर सर्किल में जो है मेज़र करी जाती है। अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ से मेज़र करी जाएगी या फिर साउथ से मेज़र करी जाएगी। तो नॉर्थ से हम इधर जा सकते हैं या तो हम साउथ से इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं। ओके, तो हम हमारी 145 भाई इधर आइए, तो 180 में से अगर हम 45 घटाएंगे बचेगा कितना, 35 बचेगा साउथ से ईस्ट की तरफ, 35। आंसर डी करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिप्रेजेंटेड फ्रिक्शन इज 1/1800, 1/1800 ले आ गए अब, 1/1800 मीन्स दैट द स्केल इज, स्केल इसकी स्केल क्या होगी भाई, इसकी जो है डायमेंशन सेम कर लो, 1 centimeter इक्वल टू 1800, 1800 जो है उसको भी सेंटीमीटर में ले, 100 से डिवाइड करो तो 1 centimeter इक्वल टू 18 meters हमें दिखाना पड़ेगा। ओके, ये होती है रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन को अगर हम स्केल में कन्वर्ट करते हैं तब। द ट्रू मेरिडियन ऑफ ए प्लेस इज द लाइन इन विच अर्थ सरफेस इज इंटरसेक्टेड बाई ए प्लेन।
हर सरफेस इज इंटरसेक्टेड बाई द प्लेन थ्रू देन दैट इज कॉल्ड द नॉर्थ एंड द मैग्नेटिक पोल। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 38 द ट्रू मेरिडियन ऑफ द प्लेस इन विच लाइन। क्वेश्चन नंबर 38 है द ट्रू मेरिडियन ऑफ ए प्लेस इज द लाइन इन विच अर्थ सरफेस इज इंटरसेक्टेड बाई ए प्लेन थ्रू। तो यहाँ पे आंसर होने वाला है नॉर्थ एंड द साउथ मैग्नेटिक पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमूवल ऑफ पैरेलैक्स इन द थ्योरी ऑफ लाइट कैन बी अचीव्ड बाय द फोकसिंग। अगर हम फोकसिंग करते हैं आई पीस को तब हम पैरेलैक्स को रिमूव कर सकते हैं थ्योरी ऑफ लाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 द प्रोपोर्शन ऑफ द सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस ऑफ द सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू मोमेंट एरिया अबाउट द बेस ऑफ द रेक्टेंगल विल बी। तो देखिए हम इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ एरिया बोथ आर सेम। तो यहाँ पर हम ये लिया हमने ये देखिए ये रेक्टेंगल हमने लिया है ठीक है ये सेंटर की बात कर रहा है ये सेंट्रोइडल एक्सिस की बात कर अब ये बेस की बात कर रहा है। तो हम पहले तो सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ एरिया लिखते हैं। तो सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट जब हम जाते हैं तो मोमेंट ऑफ एरिया का फार्मूला क्या होता है बी डी क्यू बाई ट्वेल्व। अब हम दूसरी तरफ आ गए हैं इधर ये हम दूसरी तरफ आ गए हैं जब हम देखेंगे बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है बी डी क्यू बाई थ्री। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो इधर से कुछ ये कट जाएगा और ये देखें ये फोर आ जाएगा तो वन बाई फोर। ओके यहाँ पे वन बाई फोर मिलने वाला इसकी वैल्यू 0.25 आंसर ए करेक्ट है। द बिकार्ट एपरेटस इज यूज फॉर टेस्टिंग सीमेंट फॉर इट्स। तो देखिए हम बात करें बिकार्ट एपरेटस का इस्तेमाल किया जाता है किसमें बिकार्ट एपरेटस का यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइन द सेटिंग टाइम इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। बट हमें सेटिंग टाइम का प्रैक्टिकल करने से पहले सेटिंग टाइम को टेस्ट करने से पहले हमें कंसिस्टेंसी से गुजरना पड़ता है उसके पहले हमें कंसिस्टेंसी को देखना पड़ता है। तो कंसिस्टेंसी का जो हमें टेस्ट करना होता है कंसिस्टेंसी की जो टेस्टिंग करनी है वो बिकार्ट एपरेटस से करनी होती है। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी के लिए और सेटिंग टाइम के लिए हमें कुछ नहीं बस केवल छोटा सा डिफरेंस रहता है वो है निडल का डिफरेंस। तो कंसिस्टेंसी के लिए जो हम कुछ डिफरेंट टाइप के निडल को यूज़ करते हैं और बिकार्ट एपरेटस के लिए कुछ डिफरेंट टाइप के निडल का यूज़ करते हैं जो निडल का डायमीटर डिफरेंट होता है। ओके हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो रुकिए हम इसमें थोड़ा देख लेते हैं फाइनेस टेस्ट और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट साउंडनेस टेस्ट। तो साउंडनेस टेस्ट किया जाता है ली चैटेलियर एपरेटस से और फाइनेस टेस्ट किया जाता है ब्लेंसेयर एपरेटस से और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यूब स्ट्रेंथ कंप्रेसिव किया जाता है। यह होता है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन उसी से किया जाता है। ओके अब बढ़ते हैं बर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विद लो वाटर सीमेंट रेशियो डिटरमाइंड बाई बर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स। देखो कंक्रीट मिक्स हमने लिया है जिसकी बर्केबिलिटी दिखानी है ठीक है। ये कंक्रीट मिक्स है और इसमें क्या है वाटर सीमेंट रेशियो WC रेशियो क्या लो है। जब लो है तो मतलब हार्ड कंक्रीट है। हार्ड कंक्रीट के लिए कौन सा कंपैक्शन फैक्टर भाई कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स कंप्रेशन एज टू। तो देखिए सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है इसमें इफेक्टिव डेप्थ को कैसे क्या क्वेश्चन है यार। ये देखिए सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम ये टेंसाइल रिइंफोर्समेंट तक भाई ये सरियाँ पड़ी हुई हैं और हम इसमें इफेक्टिव डेप्थ को मेजर कंप्रेशन जो नहीं है यहाँ से लेकर के जो टेंसाइल रिइंफोर्समेंट होता है उसके सेंटर तक जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं जो हाइट को मेजर करते हैं उसे बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ। बल्कि अगर हम पूरा देख लेते हैं तो उसको बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ। और ये जो सेंटर ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट से लेकर के जो हम एंड तक जाते हैं इस यहाँ तक जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम कवर बोलते हैं। ओके इफेक्टिव कवर बोलते हैं। हम बात करते हैं द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द रेक्टेंगुलर बीम इज। तो देखिए रेक्टेंगुलर बीम में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भाई क्या होती है। हाँ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस
तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अगर आपने देखा तो 3/4 के अप्रोक्स, तो नहीं। उसका आंसर होता है द अंडर सरफेस ऑफ एन आर्क इज पाई। इसका अंडर सरफेस मतलब ये वाला सरफेस ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं सॉफिट। आंसर दूसरा क्वेश्चन है द वर्टिकल साइड ऑफ ए डोर एंड विंडो ओपनिंग प्रोवाइड्स इन ए बाल आर नोन एज। ये डोर और विंडो कुछ इस टाइप के होते हैं, इनकी ओपनिंग जो प्रोवाइड की जाती है इन्हें बाल आर नोन एज। ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ओपनिंग को बोलते हैं जेम्स। द लिस्ट काउंट ऑफ द बर्नियर स्केल इज, बर्नियर स्केल में जो लिस्ट काउंट होता है उसको क्या बोलते हैं। बैल व बन डिवीजन ऑन द प्राइमरी स्केल डिवाइडेड बाई द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द बर्नियर स्केल। अगला क्वेश्चन है 48 द बियरिंग ऑफ द लाइन इज 195 डिग्री एंड द लाइन जेड वाई इज 255 डिग्री 45 सेकेंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ एक्स वाई जेड इज। इसमें इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, आपको यहाँ पे छोटा सा डायग्राम कुछ इस तरह से एक्स वाई कुछ इस तरह से बनाना होगा। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 60 degrees 45 minutes। एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ रिप्रेजेंट्स। एक लाइन जो सेम एलिवेशन के पॉइंट को ज्वाइन करती है तो उसको बोलते हैं कंटूर सरफेस। कंटूर सरफेस नहीं, उसे बोलते हैं कंटूर लाइन। तो उसे बोलते हैं ये इक्वल एलिवेशन कुछ इस तरह से मिलेगा आपको, ये एलिवेशन इधर से मैच करेंगे, इधर से मैच कर रहा है, इधर से मैच कर रहा है, तो इसे बोलेंगे कंटूर लाइन। और इक्वल रेनफॉल वाले एरिया को, इक्वल रेनफॉल वाले पॉइंट को मान लीजिए ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, ये है, यहाँ पे रेनफॉल हुई है 120 mm, यहाँ पे हुई है 125 mm और यहाँ पे हुई है 120 mm, यहाँ पे हुई है 120 mm, तो इक्वल रेनफॉल वाले एरिया को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो उसे बोलेंगे आइसो हाइट। यूनिफॉर्मिटी कॉफिशिएंट ऑफ द बेल ग्रेडेड सॉइल इज, यूनिफॉर्मिटी कॉफिशिएंट बेल ग्रेडेड सॉइल के लिए होता है इक्वल टू 1। द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल एट विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स द कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड। वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, सॉइल का वो वाटर कंटेंट जहाँ पे सॉइल का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एज पर BIS 456/2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट विद नॉर्मल वेट एग्रीगेट ऑफ द 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज स्पेसिफाइड आगे सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए कौन सा ग्रेड हम कंसीडर करते हैं, वो है ग्रेड 25। ओके, बेस वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लाइड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्डेंड कंक्रीट ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो एग्जिस्टिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए अगर हमें उसकी स्ट्रेंथ को, शियर स्ट्रेंथ को अगर डिटरमाइन करना है तो वहाँ पे हमें कौन सा अपना टेस्ट यहाँ पे प्रेफर करना पड़ेगा, तो वो वहाँ पे टेस्ट है रिबाउंड हैमर टेस्ट। कौन पेनिट्रोमीटर की टेस्ट जो है उस फाउंडेशन इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है। बुलेट टेस्ट भी नहीं, यहाँ पे पहली बार टेस्ट भी, ये सब टेस्ट जो है ऊपर के जो दो टेस्ट हैं ये हो सकता है कि अगर आपके स्टील स्ट्रक्चर में यूज होते हैं। अब बढ़ते हैं निष्क्रिय ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट C3A। निष्क्रिप्शन की तरफ ये है ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट C3A रिएक्ट स्लोली विद वाटर जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन हैज मोर रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक अकर्स इन नेचर। तो यहाँ पे C3A की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आंसर है जनरेट द लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट ऑफ हाइड्रेशन। अगर यहाँ पे C3A ना बोल करके हम C2A बोल देते तो यहाँ पे आता रिएक्ट स्लोली विद वाटर। अगला क्वेश्चन है द रॉक्स हैविंग एल्युमिना आर क्ले एज दियर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स आर नोन एज। रॉक में अगर एल्युमिना मिलता है
या क्ले मिलता है जिसमें ये मानते हैं कि ये सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स हैं, तो कौन सी रॉक होगी? तो वो होगी आपकी आर्गिलेशियस रॉक। सिलिसियस रॉक में सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है सिलिका। कैलकेरियस रॉक में होता है सिग्निफिकेंट कंपोनेंट कैल्शियम। तो अगर हम एल्विना और क्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा आर्गिलेशियस रॉक। द एज ऑफ ट्री मे बी असर्टेंड बाई, जो कोई भी पेड़ होता है या फिर जो कोई ट्री होता है, ट्री की अगर हम एज को डिफाइन करें या फिर निश्चित करें तो वो किससे हम देखते हैं? रेडियस ऑफ इट्स स्टेम, स्टेम के रेडियस से नहीं, सरकमफेरेंस ऑफ इट्स स्टेम। अगर हम स्टेम के जो स्टेम होता है तना, अगर तने की सरकमफेरेंस को देखते हैं या रेडियस को देखते हैं, या हम नंबर ऑफ ब्रांचेस को देखते हैं तो यहाँ से तो नहीं, लेकिन अगर हम नंबर ऑफ एनुलर रिंग्स को अगर देखें तो वहाँ से उसकी एज को पता लगाया जा सकता है। पगमिल इज यूज फॉर, ये पगमिल होती है किसके लिए यूज होती है? टेम्परिंग ऑफ द ब्रिक अर्थ। ओके, इसमें आंसर करेक्ट है सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बात, यहाँ पे 58 क्वेश्चन। द फाउंडेशन इन विच कैंटिलीवर बीम इज प्रोवाइडेड टू जॉइन टू फुटिंग्स इज कॉल्ड, ये देखिए कि फाउंडेशन हम देख रहे हैं ये दो फुटिंग्स हैं। ओके, एक फुटिंग ये है और एक फुटिंग ये है, इनको ज्वाइन करने के लिए हमने अगर कोई कैंटिलीवर बीम का इस्तेमाल किया तो कौन सी फाउंडेशन बोला, इसे बोलेंगे स्ट्रिप स्ट्रैप फुटिंग। ये जो कैंटिलीवर बीम होती है इसे बोलते हैं स्ट्रैप, तो वो स्ट्रैप फुटिंग की कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक कवरिंग प्लेस्ड ऑन ए एक्सपोज्ड टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल बॉल इज नोन एज, जो कवरिंग प्लेस्ड होती है एक्सपोज्ड टॉप ऑफ द एक्सटर्नल बॉल। देखिए ये कोई एक्सटर्नल बॉल है, इसको हमने कवर कर दिया है ठीक है किसी भी चीज़ से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो टॉप सर्फेस होती है, देखिए कोई बॉल है कुछ इस तरह की बॉल जा रही है और ये टॉप सर्फेस होती है, हम ये इसको कवर करते हैं, इसको कवर करने की जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है, जो कुछ भी कह सकते हैं जो बनाया जाता है, उसे बोलते हैं कोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60 है, द वर्टिकल मेंबर फिक्स्ड बिटवीन स्टिक्स एंड द हैंड रेल्स इन ए स्टेयरकेस इज नोन एज, हम यहाँ पे कोई भी स्टेयरकेस देखते हैं, ये कुछ इस तरह से जो स्टेयरकेस बनता है, तो यहाँ से ये हैंड रेल जाता है, ये यहाँ से स्टेप्स और हैंड रेल के बीच में ये जो वर्टिकल मेंबर जुड़ता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नेवल पोस्ट, इसे बोलते हैं नेवल पोस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द कंसिस्टेंसी इंडेक्स ऑफ द सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है? तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स अगर हम बात करें तो इसका आंसर बी करेक्ट रहेगा, लिक्विड लिमिट WL-W अपान IP+ इंडेक्स। ओके, ये होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अगर हम बात करें लिक्विडिटी इंडेक्स तो वहाँ पे होगा W-WP अपान IP+ इंडेक्स। ये लिक्विडिटी इंडेक्स का फार्मूला, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला हमें बताया है, इसका आंसर बी करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ये है द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज लीस्ट फॉर द, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल का कम, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल किसके लिए लीस्ट होता है? वो होता है क्ले के लिए, क्ले के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं तो वहाँ पे इंटरनल फ्रिक्शन एंगल जीरो होता है, फाई की वैल्यू जीरो होती है, वो लीस्ट होता है। फेल्योर ऑफ द स्लोप अकर्स ओनली व्हेन टोटल शियर फोर्स इज, तो स्लोप का फेल्योर अकर कब हुआ? व्हेन टोटल शियर फोर्स इज इक्वल नहीं तो लेस देन हो, जब ग्रेटर देन हो जाएगा टोटल शियर फोर्स, टोटल शियर फोर्स जब हो ये है जब ज़्यादा होता है, जो सोइल की शियर स्ट्रेंथ होती है, शियर स्ट्रेंथ टाउ जो होती है, टाउ से ये ज़्यादा हो जाएगा तब भाई स्लोप अकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 64 द कंप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोड, द कंप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म स्टैटिक लोड द कॉन्सिक्वेंट स्केप ऑफ ए पोअर वाटर इज नोन एज, तो यहाँ पे जिस कंप्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम ने किसी भी जगह पे लॉन्ग टर्म के लिए स्टैटिक लोड लगा दिया तो वहाँ पे जो कंप्रेशन हो रहा है वो कंसोलिडेशन की वजह से आएगा। ओके, अगर हम बात करें कंपैक्शन, तो कंपैक्शन
कंप्रेशन कंप्रेशन होती है, लॉन्ग टर्म प्रोसेसिंग है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है जो मैकेनिकली भी कर दी जाती है। बढ़ते हुए सिस्टम में 65 की तरफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इज क्लासिफाइड एज पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। तो अगर हम देखें कुछ इस तरह की सॉइल होती है, वाटर भी होगा, एयर भी होगा, सॉलिड मास भी होगा, सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे। ये वाटर है, ये एयर है, ये सॉलिड पार्टिकल्स है, तो ये थ्री फेज डायग्राम आपको मिल रहा है। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे इस वीडियो में 65 क्वेश्चंस को कवर किया गया था।